हेलो एवरीवन, देखिए अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी माइंड में। देखो क्या है, फर्स्ट वन क्या कहता है, एज शोन इन द फिगर श्याम वॉक्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन एफ अलोंग द पाथ ए बी सी डी ई एफ। मतलब जो श्याम वॉक करता है इस फिगर में, देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ तक जाता है, ठीक है। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई श्याम ड्यूरिंग द मोशन। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कवर्ड के लिए अगर हमें डेफिनेशन का पता है क्या होती है, वो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो पाथ लेंथ कवर्ड में कैसे, ए से एफ गया तो ए से बी वन है, तो ए बी वाला डिस्टेंस आएगा प्लस में बी सी वाला आ जाएगा प्लस में सी डी प्लस में डी ई प्लस में ई एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है वन प्लस में टू प्लस में वन प्लस में टू प्लस में टू, तो टू टू फोर और वन कितना हो गया आपके पास फाइव, फाइव सिक्स सेवन और वन एट, मतलब टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से हमें पता है कहानी क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल ए है और फाइनल है एफ, तो शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो क्या है, ए से एफ वाला ए एफ है, ठीक है, ए एफ है, दैट इज़ कितना है वो 5 किलोमीटर। तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, तो आपको साइंस में पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे लिखते हैं। देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है ओ। यहाँ से आपको देखो समझ में आएगा अब क्या कहता है, अ मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इधर है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट ये वाला मान लो, ईस्ट की तरफ गए कितना 4 मीटर। फिर कहता है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब जब यहाँ पहुँचे तो नॉर्थ ऊपर वाली साइड दिख रहा है तो ऐसे जाएंगे ऐसे नॉर्थ में, ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास 3 मीटर है, क्लियर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन। तो ये देखो इस तरीके से ये फिगर बन रहा है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना दूँ, ये ए बी और ये रहा सी, ठीक है। तो ये देखो डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, यहाँ से ही पता चल रहा है, ए बी प्लस में बी सी दैट इज़ 4 + 3 कितना हो गया ये 7 मीटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहाँ पर ए बी सी में ए से सी जा रहे हैं हम, ठीक है ना, वाया बी था, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ की कहानी होती है दैट इज़ ए सी, लेकिन ए सी हमें नहीं पता, तो इसमें क्या लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस कैसे लगती है, हाइपोटनिस का स्क्वायर, ये हाइपोटनिस है, ये यहाँ 90 डिग्री मान लो, ठीक है, ये होता है आपके पास अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये देखो जरा रूट में ये कितना, ये पता है ना पाइथागोरस कैसे होती है, देखो एक्चुअली में ये होता है, ये हाइपोटनिस होती है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये होता है आपके पास एच का स्क्वायर इक्वल टू में बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटता है तो ये स्क्वायर रूट आ जाता है बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेस कितना है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 9 दैट इज़ 25, एंड 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 16 + 9 कितना हो गया था 25, तो रूट में था, रूट में 25 कितना होता है 5, तो ये 5 मीटर की यहाँ पर क्या आ गई आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। बताओ कि इतनी बात क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से हमने ये चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है जी, बताओ। तो ये पाइथागोरस होती है जिसमें ये हाइपोटनिस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, हाइपोटनिस यहाँ पर रहेगी तो स्क्वायर हटता है तो ऑब्वियस बात है रूट आ जाता है, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी कहानी, बताओ आ रहा है समझ में या नहीं, सिंपल से है न्यूमेरिकल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।